जो भाइयों ने एक वक्त सुनाया वो कुछ देर की उन लोगों ने कहा कि कुरान बंद करो, लेकिन वो तो हो गया, अभी क्या बंद करना था। लेकिन आप लोगों को और जो लोगों ने ये 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 आवाज किया उसको इतना मुझको कहना चाहिए कि ये तो न मंदिर है न कुछ है, एक सभा हो रही है, उसमें इस तरह से किसी को मजबूर करना वो कोई विनय नहीं है। वो ना आवे, जिसको यहाँ मैं जो कहना चाहता हूँ या तो जो कहा जाता है वो सुनना नहीं चाहते हैं तो ना आवे। लेकिन एक इतना बड़ा मजमा रहता है उसमें इस तरह से दखल देना वो कोई विवेक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मान लिया कि मुझको मजबूर कोई करें और मैं समझूं कि अभी यहाँ हुल्लड़ हो जाता है तो मैं बंद करूं, इससे उनको क्या फायदा हो सकता है। इसलिए मेरी ये उम्मीद है कि ऐसा अभिनय यहाँ बंगाल की भूमि में दोबारा कोई नहीं करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आज की बात तो हो गई है और अभी अपर्णा देवी है वो आपको भजन सुनाएगी, रवि बाबू का है, सुंदर है, वो आप सुनते। भाइयों और बहनों, आप लोग सब शांति से सुनिए, मजमा बहुत बड़ा है, इसलिए मुझको शक है कि मेरी आवाज आखिर तक पहुंच जाएगी, लेकिन कम से कम आप लोग मुझको मदद तो दीजिए कि आपस में बात न करें और कोई आगे बढ़ने की कोशिश न करें। खड़े हैं वो खड़े रहें, बैठे हैं वो बैठे रहें, और कोई एक दूसरों को बिछाने की चेष्टा भी न करें, तब संभव है कि चंद मिनटों के लिए ही मैं तो बोल सकता हूँ, क्योंकि जो मैं कहूँगा उसका पीछे बंगाली में अनुवाद होना है। तो दो काम करना और आप लोगों को यहाँ से रवाना कर देना, साथ में करीब 10 मिनट रहें, तब आप वहाँ से जो गाड़ी पकड़नी है 7:45 में जो छुट्टी है वो पकड़ सकते हैं। इसलिए कृपा करके आप सब खामोश रहिए। आज तो एक चीज़ तो आप जानना तो चाहेंगे कि हाँ, बंगाल के जो मुख्य प्रधान जी हैं वो आ गए, सोरावटी साहब, और उनके साथ जो रेवेन्यू मिनिस्टर वो भी आ गए, और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी साहब वो तीन आ गए थे। ये भी मुझको कहना चाहिए कि मुझको लगता है कि क्योंकि मैं यहाँ आ गया तो कलकत्ते में कुछ भी हो रहा है इस काम के लिए तो उनको तो मिलना चाहिए। तो मैंने उनको आज टेलीफोन दे दिया कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आपको यहाँ तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है आने की, मैं आपके घर पर चलाऊँगा अगर मुझको समय दे दें तो। और वो भी मैंने किया क्योंकि मैंने अखबारों में देख लिया कि उनको मंगल के रूप जाना है, तो आज ही मिल सकता था, कल तो मेरा खामोशी का दिन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं 3:30 बजे आ जाऊँगा। बातें क्या हुई वो तो आपसे क्या मैं सुना सकता हूँ, मैं तो जो मेरे दिल में था वो उनको सुना रहा था, और जो चीज़ मैंने कल यहाँ कही वही चीज़ मैं उनको कहता था कि वो तो चीज़ आप ही के हाथ में है कि हिंदुस्तान बंगाल का दो हिस्सा होगा या तो बंगाल अखंडित रहने वाला है। हिंदुस्तान अखंडित रहेगा नहीं रहेगा वो तो दूसरी बात है, लेकिन हमारे जो सूबे आज पड़े हैं और जो सूबा में एक ही भाषा चलती है वो एक रहेगा कि उसका दो हिस्सा हो जाएगा या तो 5 होगा, उस बारे में तो बंगालियों को ही कहना है, बाहर वाले क्या कह सकते हैं, दूसरे सूबे वाले क्या उसमें कहने वाले थे, इसलिए वो तो आप ही को सोचना है, इसलिए मैंने कल कह लिया। तो अभी मुझको एक भाई पूछते हैं, वो आप न पूछें कि उन्होंने क्या उत्तर दिया, वो तो आप सब देख लेंगे वो जो कहने वाले हैं वो उसमें से। वो कहते हैं कि तुमने ये कह तो दिया कि बंगाल तो उसका हिस्सा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तो बता दो कि जो बंगाल का हिस्सा नहीं होता, बंगाल खंडित रहता है, वो खंडित हिंदुस्तान में कैसे रहेगा और कहाँ रहेगा। ये सवाल तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि
हिंदुस्तान का खंड होने वाला है ऐसा कहा कुछ किसने? अभी तक तो हुआ नहीं है, होगा या नहीं वो भी नहीं जानते हैं। अगर मैं सबको समझा सकता हूँ तो मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान का हिस्सा कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान एक है, भूगोल उसकी एक बनी है और इतने वर्षों से हम एक ही हिंदुस्तान में पड़े हैं, तो हिंदुस्तान का खंड कैसे हो मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर सकता है। तो कुछ भी हो लेकिन सब कहें, सारे हिंदुस्तान के लोग कहें कि अभी तो हमारे हिंदुस्तान का दो टुकड़ा करना है। क्यों? कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते हैं, दूसरा तो कोई सबब नहीं बता सकते हैं, और दूसरा हिंदुस्तान का दो हिस्सा करने का कोई सबब भी हो नहीं सकता है। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरी निगाह में आज हिंदुस्तान का हिस्सा होने का है कि नहीं वो सवाल तो है, लेकिन कुछ भी हो वो सवाल हुआ भी तो पीछे अगर अखंडित बंगाल ले जाता है तो बंगाल को सोचना होगा कि हम कहाँ रहेंगे, कि दो हिस्से हो जाते हैं तो किस हिस्से के रहेंगे या तो किसी हिस्से के साथ नहीं रहेंगे, ये अलग बात है। वो आप समझ लें कि अंग्रेज कुछ भी कर लेते हैं हमारे पास या तो हम अपने आप करते हैं। आज का एक ऐसा सुअवसर आ गया है, अच्छा मौका आ गया है कि अंग्रेजों ने अपना हाथ उठा लिया है और कहते हैं कि आप लोगों को जो करना है करो। तो अगर बंगाल के लोग ये कहें कि हम तो किसी के साथ मिलना ही नहीं चाहते हैं, हम अखंडित बंगाल लेंगे इतना ही नहीं लेकिन हमारे दूसरों के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, तो बंगाल ऐसे रह जाएगा, क्यों रह जाएगा? कि जो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस ने तो कह लिया है कि जो कोई भी बाहर रहना चाहते हैं उनको मजबूर नहीं करेंगे, तो कांग्रेस का तो हो गया। लीग वाले हैं, उन्होंने अब तो कर नहीं लिया है, वो तो पाकिस्तान चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान में भी किसी को मजबूर करके तो नहीं रख सकते। बंगाल को अगर पाकिस्तान में नहीं रहना है, हिंदुस्तान में नहीं रहना, तो बंगाल स्वतंत्र रह जाएगा। लेकिन कौन मुसलमान कहें कि बंगाल को स्वतंत्र रहना है तो वो रह सकता है क्या? हो नहीं सकता है। जब बंगाल में हिंदू और मुसलमान दोनों करीब करीब एक सा है, ऐसा कहो 10% इधर उधर है, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पहुंच सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कुछ भी हो इतनी तादाद में जो लोग पड़े हैं वो साथ मिलकर ही या तो एक के साथ या दूसरे के साथ या किसी के साथ नहीं ऐसा तय कर सकते हैं। इस कारण मैं कहूँगा कि ये सवाल के लिए कोई स्थान ही नहीं है जाता लेगा। ऐसा समझना ही चाहिए कि आज अगर हिंदू और मुसलमान बंगाल में पड़े हैं वो साथ नहीं रहना चाहते हैं तो कोई ताकत नहीं है कि उनको मजबूर करके साथ रख सकती है। इसी तरह से उल्टा कि कोई ताकत नहीं है कि जो उनका हिस्सा कर सकते हैं अगर वो बंगाली हिस्सा नहीं चाहते हैं। आज तो हुआ है ऐसा कि पवन फैल गया है कि हिंदू कहते हैं कि अब हम रह नहीं सकते मुसलमानी राज में, लेकिन मुसलमानी राज है ही कहाँ? आप बना दें तो मुसलमानी राज है, अगर न बना दें उसमें न रहें तो आपको कोई रोक नहीं सकते। ये बिल्कुल सामान्य वस्तु है। जो आदमी ने इस 30 बरस तक हिंदुस्तान में जो हमने अहिंसक आंदोलन चलाया और काम किया उसको ऐसे सवाल पैदा ही नहीं होने चाहिए, लेकिन आज हो रहे हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि जब बंगाल के हिंदू और मुसलमान तय कर लेंगे कि हमारे बंगाल एक ही रखना चाहते हैं, तो पीछे आइंदे आपको देखना है कि आप किसके साथ रहेंगे या तो अलग रहने वाले हैं, बिल्कुल वो सवाल पैदा नहीं होता है। आज सवाल इतना तो पैदा चलो होता है, हो गया है कि हिंदुस्तान का कुछ भी हो लेकिन बंगाल का क्या होगा। बंगाल अगर आज अलग अलग टुकड़े में रहना चाहते हैं तो आज बंगाल हिंदुस्तान का कुछ भी हो बंगाल को कोई छू नहीं सकेगा, इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस कारण मैंने कल वो सोरावर्दी साहिब से पब्लिक अपील की, आज फिर भी मैं कहूँगा वो तो उनके हाथ में है, उनके हाथ में है ये कहना साथ रहना या अलग रहना, वो मुसलमानों के हाथ में है। हिंदुस्तान हिंदुओं के हाथ में भी है, हिंदू अगर साथ ही रहना चाहते हैं
तो मुसलमान निकाल नहीं सकते, उसका टुकड़ा करना। लेकिन वो एक बड़ी बात मैंने कह दी, हिंदू अगर यहाँ तक पहुँच जाए और जो आज 30 वर्ष से हम करते आए हैं वो चलने, वो ऐसा ही करें, तो पीछे वो हिंदू भी कह सकते हैं कि अलग रहेंगे या तो एक ही रहने वाले। इसलिए ऐसा ही हमारे तो समझ लेना चाहिए कि दोनों का जो दिल होगा इसी तरह से होने वाला है। अगर आप लोग साथ साथ में मिलकर कोई टे नहीं करेंगे तो पीछे तो होगा, कंस्टिट्यूंट असेंबली बन रही है, उसमें जो क्या होना है वो। लेकिन मुझको बुरा लगता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा करें हम तो पीछे हमारा काम रुक जाता है। लेकिन हाँ, साथ साथ में इतना तो मैं कह दूँ कि जो भाइयों ने आज ये मचा दिया एक कदम, कुरान मत पढ़ो मत पढ़ो, इसके मानी क्या है? कुरान में क्या लिखा है वो तो कुरान में अगर कहें कि सच बोलो तो सच बोलो, वो मैं नहीं कह सकता हूँ क्या? यहाँ कुरान शरीफ पढ़ता हूँ तो वो कोई ऐसी चीज़ है कि कुरान शरीफ में से कोई पढ़े तो वो बहुत बुरी बात हो जाती है? या तो उसमें जो सच्ची बात लिखी है उसको भी झुठलाना है? ये मेरी निगाह में ऐसा है कि वो एक अक्ल की बात नहीं है, अक्ल के बाहर की बात है, वो तो इतना ही मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मुझको 15 मिनट से तो ज़्यादा लेना ही नहीं चाहिए, अभी 15 मिनट तो हो ही नहीं है। अभी दूसरा पूछा है कि ये बात तो कर रहे हैं लेकिन जब तक अंग्रेज यहाँ पड़े हैं तब तक ये बात हो सकती है क्या? वो सवाल तो मेरी निगाह में उठता नहीं है, उठाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो तो अगर हम कुछ तय न करें तब तो अंग्रेजों को करना होगा ना। लेकिन यहाँ तो बात ही मेरी ये है कि अंग्रेजों के तरफ हम देखें क्यों, और जो यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान को, उनको देखें, उनको कहें कि मेहरबानी करके इतना तो करते जाइए और पीछे हमारा क्या होगा देख लीजिए। उसका मतलब क्या कि वो चले जाएंगे, पीछे वो कुछ करते गए तो उसको हम तोड़ सकते हैं, और वो तोड़ कर गए तो उसको हम पीछे साथ भी मिला सकते हैं। ऐसी आज एक हमारे लिए खूबसूरत चीज बन गई है, तो ये क्या बात है? वो जब चले जाए उसके बाद जो कुछ भी करना चाहते हो करें। वो जो भाइयों ने इस वक्त सुनाया वो कुछ देर की, उन लोगों ने कहा कि कुरान बंद करो, लेकिन वो तो हो गया। उसमें इस तरह से किसी को मजबूर करना वो कोई विनय नहीं है, वो ना आवे। जिसको यहाँ मैं जो कहना चाहता हूँ या तो जो कहा जाता है वो सुनना नहीं चाहते हैं तो ना आवे। लेकिन एक इतना बड़ा मजमा रहता है उसमें इस तरह से दखल देना वो कोई विवेक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मान लिया कि मुझको मजबूर कोई करें और मैं समझूं कि अभी यहाँ हुल्लड़ हो जाता है तो मैं बंद करूं, इससे उनको क्या फायदा हो सकता है? इसलिए मेरी ये उम्मीद है कि ऐसा अभिनय यहाँ बंगाल की भूमि में दोबारा कोई नहीं करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आज की बात तो हो गई है, और अभी अपर्णा देवी है वो आपको भजन सुनाएगी, रवि बाबू का है, सुंदर है, वो आप सुनते हैं। भाइयों अभी क्या बंद करना था, लेकिन आप लोगों को और जो लोगों ने ये 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 आवाज किया उसको इतना मुझको कहना चाहिए कि ये तो न मंदिर है न कुछ, एक सभा हो रही है।